मॉर्निंग गाइस, यार वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है कि यार निकल रहे हैं फाइनली देहरादून के लिए। टाइम हो रहा होगा 8:30 बजे। अगर लास्ट वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो चेकआउट करना कि यार रात को लेट पहुंचा था यहाँ पर 9 बजे। एंड अभी यहाँ से जो देहरादून है वो 300 कुछ किलोमीटर्स है, शिमला यहाँ से पड़ता है 100 किलोमीटर है। तो अब निकलते हैं यार, वो लोग नीचे वेट कर रहे हैं, मैं थोड़ा लेट उठा जिसकी वजह से अभी वो। तो मेरा सामान कुछ है नहीं वैसे, बस बैग रखा है, तो बैग लेते हैं एंड हेलमेट को उठाता हूँ। तो आज का जो भी होने वाला है अपडेट करता रहूँगा। वैसे आज इतना डिस्टेंस नहीं है बट ये 350 किलोमीटर पहाड़ में भी बहुत होता है। तो यार गाइस निकलते हैं, सामान डाल दिया गाड़ी में एंड जर्नी स्टार्ट बैक टू बाइक। 3 दिन से तो वैसे बाइक में ही है। तो यार गाइस जैसा भी है अपडेट करते रहेंगे, बट पहले पहुंच रहा है हमें शिमला। शिमला के बाद होगी हमारी असली जर्नी स्टार्ट। 250 किलोमीटर्स एंड शिमला यहाँ से 100 किलोमीटर्स है। एंड रास्ते से लेनी है यार एक पानी की बॉटल, पहले पानी प्यास लग रही है भाई, चाय पी ली और वो वाली यार शुगर अच्छी नहीं लगती, भयंकर क्यूब्स वाली जो होती है वो सुखा दिया है बिल्कुल एकदम। तो कल रात को यार थोड़ा लेट हो गए थे जिसकी वजह से आगे नहीं गए, वैसे जाना तो हमें शिमला था बट। सो यार गाइस यहाँ पर रुके हैं, नाश्ता करते हैं। आ गया मैं पराठा एंड भाई लोगों का वेट कर रहे हैं पराठे का। तुमने चाय मंगाई ना अपने लिए भी? बटर लाना यार भाई। अब यह है कि थोड़ी नींद खुल गई है एंड ये था यार वर्मा भोजनालय मुरथल। अब अच्छा मुरथल है ये कुमार सेन। आगे पेट्रोल भी डलाना है, मतलब यार मुझे तो लग रहा 7-8 ही मिल जाएंगे। मैकेनिक पे रुक जाइयो, मैकेनिक पे इसलिए यार क्योंकि मेरा पीछे का टायर थोड़ा बम्बलिंग हो रहा था और हवा भी चेक करवा लूँगा। अब थोड़ी सी नींद, मतलब यार सुबह सुबह जब होटल से निकले, क्योंकि रात को यार 2-3 घंटे सोए रहे हैं भयंकर, 3-4 दिन से नींद ही पूरी नहीं हो रही है। तो अब थोड़ा भाई फ्रेशनेस ही फील हुई यार जब वहाँ पर थोड़ा सा एक पराठा खाया और चाय पी, उसके बाद थोड़ा सा सही फील हो रहा है। भाई हवा नहीं है पीछे वाले टायर में। अंकल जी 10 लीटर कर दो, 10 लीटर आएगा अगर तो। अच्छा ऑटो बंद हो जाता होगा ना वैसे, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ गया वैसे। तो गाइज यार ये है नरकंडा। नरकंडा के बाद पड़ेगा ठियोग जो कि 33 किलोमीटर पड़ता है और शिमला 65 किलोमीटर है। तो पहले ठियोग पहुंचेंगे और नरकंडा में यार एक चीज़ है, बहुत ग्रीनरी ग्रीनरी है, या फिर ना बहुत टाइम से सूखे पहाड़ देख देख के अब थोड़ा वो लग रहा है। ये देखो ना पेड़ कवर कर रखे हैं सारे। वो दूर से बहन का ऐसा लग रहा है सफेद पहाड़ होंगे जगह। ये पूरी लाइन जो दिख रही है ना पेट्रोल पंप की वजह से लगी हुई है और ये पता नहीं कितने किलोमीटर की है, ऑलरेडी 1-2 किलोमीटर हो गया। तो यार देखा बहुत लंबी लाइन थी वो बहुत। तो अभी पेट्रोल तो पता नहीं यार कहाँ पर मिलेगा कहाँ पर नहीं मिलेगा। शिमला है 20 किलोमीटर्स एंड पहुँचते शिमला और इसकी यार टंकी सबसे पहले फुल करवाएंगे। तो यार गाइस पहुँच गए हैं शिमला, अब निकलते हैं सोलन की साइड को क्योंकि भाई अपने को तो देहरादून जाना है और देख सकते हैं भाई शिमला में भीड़ तो बहुत बेकार लगा मुझे तो भाई। इधर इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक है ना, हालत ख़राब हो गई यार। रोड भी बिल्कुल जरा सी है, लोग ज़्यादा हैं। और भाई थोड़ी सी ठंडी हवा। ये है शिमला वाला हाईवे और सोलन होगा यहाँ से 20 किलोमीटर होगा एंड फिर देखते हैं यार। खाने खुना अभी खाया नहीं है, सोचा तो यही है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो जाए जितना उतना बढ़िया है। रही बात पेट्रोल की, तो बाइक की दूसरी वाली बाइक जो है यार उसमें भी डलवा दिया तेल, शिमला में मिल गया था पेट्रोल। तो यार भाई पीते हैं गन्ने का रस क्योंकि भाई गर्मी बहुत हो रही है और यही वाले हाईवे से आ रहे हैं।
कैसी हालत हो रखी है अपनी, एंड बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, इसके अभी लाइनर हटाया मैंने, एंड चले जा रहे हैं। अब यहाँ से पहले पड़ेगा सोलन के बाद फिर सीधा निकलेंगे। गर्मी बहुत भयंकर हो रही है यार वहाँ से आने के बाद। तो अब यार गन्ने का रस पीते हैं, उसके बाद थोड़ा रिफ्रेश होते हैं, एंड अभी धूप गई एंड फिर चलेंगे यार। ये जो रोड है ये चंडीगढ़ जा रही है, बट हम एक कुमार हड्डी पड़ती है उसकी पहले जगह, तो वहाँ से कट जाएंगे। और ये टनल यार, इस टनल में पहली बार ही आ रहा हूँ मैं। वाइजर ब्लैक वाला नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ से वैसे चंडीगढ़ है 68 किलोमीटर, बट हमारा 6-7 किलोमीटर पहले एक रास्ता कट जाएगा। काफ़ी लंबी टनल है यार ये भी, चंडीगढ़ काफ़ी पास है यार यहाँ से, मतलब है। और ये सिंगल लेनी है, मतलब इसका जो आने वाला है वो पता नहीं इसके पीछे या बैक साइड पता नहीं कहाँ है। कुमार हट्टी और ये यहाँ से कट जाता है परवानो नान 54 पोटा 99। तो अभी यार इतना ही है, तो थक तो पूरी लग गई भाई, आज तो सबसे ज़्यादा थक वाला दिन था। रुके थोड़ा सा यार, चाय पीने हॉल्टी ले रहे हैं। भाई मैगी खाते हैं और फिर निकलते हैं यार। अच्छा अंकल जी, तो गाइस यार देहरादून टू शिमला, तो मतलब यार इस वीडियो में ऐसा तो कुछ है नहीं, बट ये है कि वे ऑन द वे लास्ट एपिसोड था, इसलिए डालना तो था ही, एंड तो करना ही था। स्पीति का अपनी राइड जो थी वो आज एंड होगी, बट ये है कि अच्छे से एंड हो जाए। भाई लोग ये जा रहे हैं सामने अपने, मिल ही गए आखिरकार। ये लोग बहन का कितने किलोमीटर बाद मिलेंगे, मैं 300 किलोमीटर बाद, 300 बोल रहा हूँ मैं, 200 किलोमीटर बाद। ये पता नहीं कौन सा रूट से आ रहे हैं यार, है तो सेम ही रोड ये भी, और वो पता नहीं कहाँ गया अपना दूसरा वाला बाइक वाला। तो पोटा साहिब 45 और पहुँच गए नान, और मुझे नहीं पता कहाँ है सारे के सारे। भाई जी तो यहाँ से डाल लो, फाइनली अपने स्टेट में एंटर करते हुए एंड हिमाचल की जर्नी कंप्लीट करते हुए उत्तराखंड में एंटर कर गए हैं। एंड देहरादून जैसे कि सामने दिख रहा है यार 50 किलोमीटर, मसूरी 80, और हमने कर दी एंट्री अगेन। तो करते हैं यार इस लॉक को एंड, 1 2 3 वेलकम टू दुबई हबीबी, वेलकम टू देहरादून। चलो चाचा प्रणाम है, तुम भाई करो मेरे भाई का स्वागत है, तो प्रणाम कर दो, करो तो फिर ये तेल मिल तू तेल मैं नहीं पी रहा यार चाय, नहीं पांच चाय, पांच चाय ओए पांच चाय बोली मैं, और तुम्हें क्या पीना भाई, देखो जलजीरा देख लेंगे यार, जलजीरा है तो जलजीरा वो दे दो यार भाई जी। तो ये है भाई लॉन्डो की हालत अब ये हो गया। सो यार गाइस टाइम टू से अलविदा सबको, एंड निकल रहे हैं, स्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है भाई, सी यू सून आफ्टर दुबई, ठीक है भाई बॉबी भाई, ठीक है भाई, ठीक है नवीन भाई, है?